YouTube चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी भी देवता को, चाहे शिवलिंग हो, शंकर जी हो, गणेश जी हो, दुर्गा जी हो, किसी भी देवता को दही से स्नान कराते हैं तो कौन सा मंत्र बोला जाता है। कल मैंने दूध चढ़ाने का, दूध से स्नान कराने का मंत्र आपको बताया था, आपने वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से आप देख सकते हैं। मैं सभी पूजा के मंत्र आपको एक एक करके याद कराने वाला हूँ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबा करके सूचना को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ ऐसी ही अच्छी अच्छी उपयोगी वीडियो, तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिल सके, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कौन सी पुस्तक में है, तो ये नित्य ग्रंथ पूजा प्रकाश गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है, आप उसको खरीद लीजिएगा। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके ढंग तरीके से मंत्र दिए हुए हैं, तो मैं उसी से आपको ये तैयार करवा रहा हूँ, दधी से स्नान कराने का मंत्र। हरी ही ओमा दधिक्राब्णो अकारी खं दधिक्राब्णो अकारी खं जिष्णो रसवस्य वाजिनः जिष्णो रसवस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयु सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयु गुंखितारिखत गुंखितारिखत रिखत। पूरा मंत्र बोलेंगे। हरि ही ओम दधिक्राब्णो अकारी खं जिष्णो रसवस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयु गुंखिता रिखथ। ये तो था वैदिक मंत्र, और लौकिक मंत्र भी इस प्रकार है। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब जैसे गणेश अंबिका को स्नान कराना है तो इस प्रकार बोलना है। ओम भूर्भुवः श्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दधि स्नानम समर्पयामि। जे शंकर जी को चढ़ाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते सांब सदा शिवाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि। तो ये था दधि से स्नान कराने का मंत्र। प्रिय दर्शकों, आगे मैं पूजा के सारे मंत्र आपको बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और YouTube चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले मंत्र भी आप अच्छी तरह से याद कर सकें। तो चलिए, जय श्री राधे, हर हर महादेव।